जून माह के अंतिम सप्ताह में आने वाले मॉनसून सीजन के लिए वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। देश में मॉनसून की देरी के चलते इस बार सीजन जुलाई में शुरू होगा। इस दौरान जिला हमीरपुर में 1,35,000 के पौधारोपण का लक्ष्य वन विभाग ने निर्धारित किया है। विभाग ने हमीरपुर जिला में चीड़ के अतिरिक्त औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। वन विभाग हमीरपुर की DFO LC वंदना के अनुसार वन विभाग ने मॉनसून सीजन के लिए तैयारियां पूरी की है और वन मंडलों के तहत कर्मचारियों की तैनाती करके मॉनसून सीजन के लिए योजना तैयार की है, ताकि हर साल की भांति इस बार भी मॉनसून सीजन में पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। DFO LC वंदना ने बताया कि मॉनसून सीजन इसी माह के अंतिम सप्ताह में आने की उम्मीद है और वन विभाग ने इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वहीं इस बार फायर सीजन में आगजनी की घटनाएं से वन संपदा को भी काफी नुकसान हुआ है। DFO LC वंदना ने बताया कि गत वर्ष बारिश कम होने के चलते और इस साल मार्च में गर्मी ज्यादा होने के चलते अब तक 48 केस फायर के दर्ज किए गए हैं। फायर सीजन में अभी तक जो है इस बार काफी मॉनसून, लास्ट ईयर मॉनसून के बाद सेप्टेम्बर से लेके पूरा विंटर में भी बारिश नहीं होने की वजह से काफी ड्राइनेस हुआ है, तो इसीलिए कि मार्च में ही फायर लगना शुरू हो गया हुआ है, जबकि अप्रैल मिड में हर साल होते हैं। तो इस साल जो है हमने अप्रैल 1 से भी डिक्लेयर किया हुआ है फायर सीजन। तो अभी तक हमारा जो है 48 केसेस हमने रिपोर्ट किया हुआ है और ये 48 केसेस में 280 हेक्टर फॉरेस्ट एरिया जो है वो जल गया हुआ है। इसमें से भी जो हमारा प्लांटेड एरिया, जहाँ हर साल हम जो प्लांटेशन करते हैं, इसका 160 हेक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो काफी नुकसान हुआ है और ये मोस्टली ग्राउंड फायर है, फिर भी ग्राउंड फायर में भी जो प्लांटेशन एरिया में तो छोटे छोटे प्लांट्स भी जल जाते हैं। तो ये है हमारा अभी 48 केसेस हुआ, टोटल एरिया 280 हेक्टर हुआ और इसमें 160 हेक्टर प्लांटेशन एरिया था। हमारा यहाँ जो हमीरपुर जो है चील का जंगल है, तो हम इसमें मिक्स फॉरेस्ट में लाने के लिए ये हमारा डिपार्टमेंट का प्लान है। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें जो हमारा मेडिसिनल एंड फ्रूट प्लांट्स जो है, मोस्टली हम आंवला, हरर वहरा, अर्जुन और जैसा खैर एरियाज में खैर भी काफ़ी रहते हैं हमीरपुर में, तो खैर एरियाज में खैर और दूसरा मैंगो, गुआवा, ये सब भी हम लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जैसा जो ये मेडिसिनल वैल्यूज है, ये सब मंकी वगैरह का डैमेज में भी ये कुछ नहीं होता है, वो ये खाते नहीं हैं, और इसीलिए हम मेडिसिनल प्लस जो हमारा फ्रूट प्लांट्स जो है ये हम टारगेट कर रहे हैं। मॉनसून सीजन जो है अभी हम हिमाचल में अराउंड जून 24 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारा मॉनसून सीजन में सबसे बड़ा हमारा एक्टिविटी जो है प्लांटेशन है। और हमारा इस साल हमारा प्लांटेशन जो है अराउंड 280 हेक्टर हमने प्रपोज किया हुआ है, उसमें कुछ अप्रूवल आ गया हुआ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू प्लांट अराउंड 1,35,000। तो जिसमें हम टोल प्लांट 72 हेक्टर है और 63,000 जो है वो नॉर्मल प्लांट्स है। तो हम 1,35,000 पौधे लगाने के लिए हमारा टारगेट है और 280 हेक्टर प्लांटेशन करने का। और मॉनसून में सबसे ये हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा फॉरेस्ट फायर का काफ़ी सीजन इस बार ड्राइनेस की वजह से काफ़ी ये हुआ है, तो इसीलिए कि हम मॉनसून के लिए बड़ी वेट कर रहे हैं और इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है इवन केरला कोस्ट में भी, बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग एट अराउंड जून 24 एट द एंड ऑफ जून। तो ये इसमें होने से हमारा जुलाई से प्लांटेशन करने का पूरा रहेगा हमारा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा
HR@goilmotor.com पर।